हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका साडा फूड अड्डा में। आज मैं बना रहा हूँ पोहा। तो आइए देखते हैं पोहा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले हमने 2 कप पोहा ले लिया है, एक मीडियम साइज प्याज लिया है जिसको बारीक बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च ली है, आधा नींबू ले लिया है और थोड़ा हरा धनिया लिया है, और ये 1 चम्मच सरसों के दाने ले लिए हैं। ये थोड़े से पीनट्स लिए हैं मैंने, थोड़े अनार के दाने, और ये थोड़ा आलू भुजिया ले ली है, नमक, गरम मसाला, और ये लिया है मैंने हल्दी पाउडर। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं पोहा बनाना। सबसे पहले हमने जो है पोहा लिया था, इसको पानी से हम वॉश कर लेंगे। पोहे को पानी में भिगो कर नहीं रखना है, बस खाली वॉश करके इसका पानी निकाल देना है। अब पानी पोहे का हम निकालते हैं। अब हमने ये पोहा पानी से निकाल लिया है, साफ कर लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक मिला देंगे। पोहे में नमक हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड कर देंगे और बीच बीच में एक बार इसको चला लेंगे। अब गैस को ऑन करते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रखें। अब कढ़ाई चढ़ा देते हैं, कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने दें। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे और गरम होने के बाद जो हमने पीनट्स लिए थे वो पीनट्स डाल के इसमें रोस्ट कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, ये पीनट्स इसमें डाल देंगे। अब पीनट्स हमारी रोस्ट होना शुरू हो गई है। पीनट्स को हमने रोस्ट इसलिए किया है, पीनट्स को रोस्ट करने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाती हैं और पोहे में इसका टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पोहा। पीनट्स हमारी रोस्ट हो गई है, अब इन पीनट्स को जो है अलग से कटोरी में निकाल लेंगे। ये जो कढ़ाई में तेल बचा है इसी को हम आगे के लिए पोहा बनाने के लिए यूज़ करेंगे। बस इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच तेल और डाल देंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब जो हमने सरसों के दाने लिए थे वो तेल में डाल देंगे। हमने जो एक हरी मिर्च ली थी वो एक हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। प्याज जो हमने लिया था चॉप किया हुआ, एक मीडियम साइज प्याज, वो प्याज भी डाल देंगे। और प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, और प्याज को आप ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना करें क्योंकि पोहे में फिर ये अच्छी नहीं लगेगी खाने में। और गैस का फ्लेम कम कर दें, बिल्कुल लो पे रखना है। अब हम इसमें जो हल्दी ली थी हल्दी डालेंगे, और ये हल्दी आपको डालनी है 1/4 चम्मच डालनी है। नमक डालेंगे, आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, पर याद रहेगी नमक आपने थोड़ा सा पहले पोहे में भी डाला था तो कम ही डालें। इसको अच्छे से हल्दी और नमक को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी और नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो हमने पोहा रखा हुआ था, अब पोहे को इसमें डाल देंगे।
देखिए हमारा पोहा कितना खिलखिला है। पोहे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पोहे को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना थोड़ा सा हरा धनिया। और जो पीनट्स हमने रोस्ट करके रखी हुई थी पीनट्स भी डाल देंगे। और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। अब इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे अच्छे से। फ्लेम गैस का लो ही रखना है, इसको मीडियम ना करें नहीं तो पोहा नीचे से जल जाएगा। पोहे को हम जो है 1 से 1.5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखें। 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, आइए देखते हैं। देखिए पोहा हमारा तैयार है, अब गैस को बंद कर देंगे। जब पोहा तैयार हो जाए तो उसके बाद जो हमने अनारदाना लिया था उसमें से थोड़े अनारदाना हम पोहे में मिक्स कर लेंगे। इसको मिलाएंगे अच्छे से। अब पोहा हमारा एकदम रेडी है, आइए इसको एक प्लेट में निकालते हैं। पोहा हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब थोड़ा गार्निश करेंगे। सबसे पहले जो हरा धनिया हमने लिया था थोड़ा सा करके वो डालेंगे। अब हम डालेंगे आलू भुजिया। पोहा हमारा बनकर रेडी है। पोहे की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।